आप लोगों की डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूड लिपस्टिक्स के स्वाचेस, लिप स्वाचेस, और उसके साथ साथ मैं आपको बेयर स्किन पे ये सारे के सारे स्वाचेस करके दिखाऊंगी, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई योर शेड. दीज लिपस्टिक्स विच आई एम गोना बी शोइंग इन दिस वीडियो, ऑल दीज आर अंडर ₹500. तो चलो शुरू करते हैं और देख लो. अब मैंने चेहरे पे अभी कुछ नहीं लगाया, एक न्यूड सी लिपस्टिक लगाई. नमस्ते, राधे राधे, मेरा नाम है यामी और आप देख रहे हैं सुपर टिप्स बाय यामी. तो लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो. यह स्किन को ज़्यादा ही मतलब ऐसे से नहीं लग रही, बेयर सी लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लश लगा लेना चाहिए, मतलब बेयर स्किन के ऊपर ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे खुद भी अपना चेहरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे विदाउट ब्लश. मैं ब्लश बहुत लगाती हूँ, तो के ब्यूटी का ब्लश लगा लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल ही दिखूँ. इतना तो चलेगा ना यार, इतना तो चलेगा, इतना तो छूट दे दो आप मुझे. वैसे तो फाउंडेशन नहीं लगाया, क्योंकि उससे क्या कलर चेंज हो जाता है स्किन का ना, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया. ठीक है जी, बस इतना काफ़ी है. ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपने लिप्स स्वाचेस. सो द फर्स्ट शेड इज मामा अर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक एंड दिस शेड इज मोका ब्राउन. ये एक पीची ब्राउन शेड है, तो फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक ही अच्छा लगेगा ये. और अभी यही वाला शेड मैंने पहना हुआ है. ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, जैसे ही आप अपने लिप्स पे लगाओगे इजीली मक्खन की तरह ये आपके लिप्स पे ग्लाइड ऑन हो जाती है, और ये सुपर लॉन्ग लास्टिंग, और ये मील भी इजीली सर्वाइव कर लेती है. आप एक दो मील खा लोगे तो एकदम से मतलब ऐसे वैनिश नहीं होगी, ये थोड़ा थोड़ा सा फेड आउट होना शुरू हो जाती है, बट ये काफी देर तक लास्ट करती है. लिप्स पे लगाने के बाद कुछ ही सेकेंड्स में ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है, तो इजिली मील वगैरह भी सर्वाइव कर लेती है. मैंने इसको काफी यूज कर लिया, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ, और मैं ऐसे ही किसी का रिव्यू नहीं करती जब तक मैं खुद उसको यूज ना कर लूं. और इसको रिमूव करना भी बहुत इजी है, टगिंग एंड पुलिंग करने की जरूरत भी नहीं. नेक्स्ट लिपस्टिक इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ, और ये वाला है सुपर मैट लिपस्टिक. ये लगाने पर ना तब आपको लगेगा कि आप कोई क्रीमी लिपस्टिक लगा रहे हो, लेकिन लिप्स पे लगाने के बाद कुछ ही सेकेंड्स में ये बिल्कुल ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है, और ये इतनी स्मूथ और इतनी प्यारी लिपस्टिक है ना कि लिप्स पे लगाने पर अब बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी लगेगी, और थोड़ी देर में ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है बिल्कुल मक्खन की तरह. और इसको रिमूव करना भी बहुत इजी है, मील भी सरवाइव कर लेती है. सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि मैंने इसको खाना पीना भी खाया इसको लगाने के बाद, या इजीली मील सरवाइव कर रही थी किसी भी हाई एंड ब्रांड की लिपस्टिक से. मामाअर्थ की लिपस्टिक मुझे अच्छी है, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है बाय द वे. नेक्स्ट लिपस्टिक इज फेसेस कैनेडा की कॉम्फी मैट लिपस्टिक, और ये वाला जो शेड है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये वाला शेड मैं आपको अभी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अगर आपको इतना खूबसूरत शेड अगर आपने मिस कर दिया ना यार, ये प्यारा, इतना प्यारा शेड है, मतलब दिस इज़ माई काइंड ऑफ शेड. मुझे इस तरह के ब्राउनी पिंक लिपस्टिक ना बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें ब्राउन और पिंक का कॉम्बिनेशन है. लेकिन ये लिपस्टिक की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि देखो वैसे तो सुपर कंफर्टेबल लिपस्टिक है, पता भी नहीं चलता लिप्स में, लेकिन ये मील सर्वाइव नहीं करती. मतलब अगर आपने कुछ खाना पीना नहीं है ना तो ये इजीली टिक जाएगी, लेकिन अगर आपने कुछ खा पी लिया तो ये अंदर रिम से ना थोड़ा सा फेड आउट होना शुरू हो जाती है. लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा कलर चाहिए कि हाँ कि मतलब इतना ब्यूटीफुल रोजी रोजी सा कलर और हल्का सा ब्राउन टिंच आ रहा है, तो इस तरह का शेड चाहिए, तो एक बार ये वाला शेड ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला शेड. बस ये कि लिपस्टिक थोड़ा और लास्ट कर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता. वैसे मैं इसलिए ज़्यादा लिक्विड लिपस्टिक नहीं पसंद करती, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक का ना सेम ही फंडा रहता है सभी का, इसलिए मैं नॉन ट्रांसफर में ना बुलेट लिपस्टिक ही पसंद करती हूँ. ये देखो इजीली रिमूव भी हो जाती है. और इसका नेक्स्ट शेड है मेरे पास, शेड नंबर ये 11 है, आई थिंक, हाँ 11 है, और एक रस्टिक टेराकोटा कलर है. और अगर आपको मतलब ये ना मेरे स्किन टोन पे ना थोड़ा ऑरेंज लगता है, और ये वाला शेड ना डिफरेंट डिफरेंट स्किन टोन पे डिफरेंट लग सकता है. अब देखो वैसे तो अगर मैं इसको हाथ पे स्वच किया ना तो ये थोड़ा सा ब्राउनी जो थोड़ा टेराकोटा टाइप का शेड होता है ना वैसा लग रहा था, लेकिन लिप्स पे लगाने के बाद आपको लग रहा है ना कि प्रॉपर ऑरेंज है. मुझे भी यही लग रहा है, और इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं लगाती. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार ये वाला शेड मुझ पर इतना अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है. मुश्किल से मैंने इसको एक या दो बार लगाया है, और ये पूरा का पूरा लिपस्टिक एज इट इज़ रखा हुआ है. नेक्स्ट लिपस्टिक है शुगर की नथिंग एल्स मैटर रेंज. ये लिपस्टिक का रेंज मेरा फेवरेट रेंज रहा है एक टाइम पर. ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. अगर आपको मैट लिपस्टिक चाहिए क्रीमी फॉर्म में तो आप ये वाली लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो, 500 के अंडर ही मिल जाएगी या 500 तक मिल जाएगी आपको. ये प्रॉपर मैट फिनिश देती है, मतलब मामा अर्थ से भी ज़्यादा प्रॉपर मैट फिनिश देती है. लेकिन इसका एक कॉन मुझे लगता है कि ना ये थोड़ा सा लिप्स को ना हल्का सा लास्ट में फ्लेकी कर देती है, मतलब जब ये फेड आउट होती है ना
बाद में लिप्स को एट द एंड ऑफ द डे ये थोड़ा सा फ्लेकी कर देती है, बट ये लिपस्टिक बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लिपस्टिक अब तक मैं बोलूँगी तो ये शुगर की नथिंग एल्स मैटर रेंज है। और इसमें मेरे पास चार शेड्स हैं, चार या पांच शेड्स हैं, मुझे इतनी पसंद थी एक टाइम पे ये लिपस्टिक्स, अब तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। ये है माया ग्लैम की ये वाली लिपस्टिक, और ये वाला है स्मिटन किटन शेड है। स्मिटन किटन शेड बहुत प्यारा शेड है, अगर आपको इस तरह का शेड पसंद है ना, ये ब्राउन शेड है, हल्का सा पिंक अंडरटोन में है, तो ये बहुत ही खूबसूरत न्यूड शेड है। आप देखो मेरा जो स्किन टोन है ना वो है, रेफरेंस के लिए बता दूँ, NC40 है, और कभी कभी NC42 भी हो जाता है, तो ये मेरे लिप्स पे कुछ अभी ऐसा लग रहा है, अभी NC40 है, तो आप देख सकते हो मेरे स्किन टोन पे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रॉपर न्यूड शेड आता है। लेकिन इसका भी यही कौन है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेकी कर देता है लिप्स को ना, और ज़्यादा देर तक आपके लिप्स पे स्टे नहीं करता। शुगर वाली जो लिपस्टिक थी वो लॉन्ग लास्टिंग है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन हाँ वैसे शेड बहुत अच्छा, अगर शेड पसंद है तो ये ट्राई करना। अब है ये जी मेरी फेवरेट लिपस्टिक, ये है प्लम की मैट्रिफाइंग लिपस्टिक, और ये है शेड जैज बेरी। ये शेड इतना ब्यूटीफुल शेड है ना, ये मैं ऐसे शेड्स दिखा रही हूँ आपको जो विदाउट मेकअप आपके आपके फेस पे बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसलिए मैंने मेकअप भी नहीं किया ताकि आपको दिखाऊं कि देखो विदाउट मेकअप कैसे लग रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल शेड है, अगर आपका स्किन टोन NC42 है या 44 भी है ना तो भी ये बहुत प्यारा लगेगा। और ये शेड है जैज बेरी, सुपर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, और मील वगैरह इजीली सर्वाइव करता है, पूरा दिन मेरे लिप्स पे ये लगा रहता है, मैं एक बार लगा लेती हूँ, और रिमूव करना भी देखो कितना ईजी, मैं साथ साथ देखो रिमूव का भी मैंने क्लिप शूट किया है। सेकेंड लिपस्टिक है इसका हॉट शॉट, और ये हॉट शॉट वाला जो शेड है ना ये एक कैसा वाला ब्राउन है, मतलब इसमें से हल्का सा ना रेडिश टोन आता है, ये ऐसा ब्राउन शेड है। अगर आपको इस तरह का ब्राउन शेड अच्छा लगता है ना तो ये हॉट शॉट शेड जो है वो ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। अभी देखो कैसा लग रहा है ना स्किन टोन पे मेरे से, अगर डार्क स्किन टोन के भी हो ना तो उनके ऊपर ये न्यूड शेड आएगा, बहुत ही प्यारा, मेरे ऊपर थोड़ा डार्क लग रहा है, मेरे से फेयर स्किन टोन पे ये और डार्क लगेगा, बट बहुत प्यारा शेड है ना ये। और ये लिपस्टिक्स तो माय गॉड बहुत अच्छी हैं, किसी भी हाई एंड ब्रांड की लिपस्टिक से ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये। अब जो नेक्स्ट शेड है ये है मेक इट मॉव, इसी ब्रांड का है, इसी रेंज का है, और मेक इट मॉव, अगर आपको मॉव काइंड ऑफ शेड पसंद है, प्रॉपर मॉव शेड, तो ये शेड आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये मॉव शेड ऐसा है कि बहुत सारे स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, चाहे कैसा भी स्किन टोन हो, डीप हो, फेयर हो, फेयर पे तो बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा ये वाला शेड, लेकिन ये एक ऐसा शेड है जो सब पर अच्छा लगता है, सब पर, कैसा भी स्किन टोन वाले इसको लगा सकते हो। मेक इट मॉव प्रॉपर मॉव शेड है, हल्का सा पर्पल के हिंट्स हैं इसमें, लेकिन विदाउट मेकअप, आपको इसके साथ मेकअप करने की भी जरूरत नहीं है। आई होप कि ये सारे के सारे स्वॉचेस आपको अच्छे लगे होंगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।